टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम। ग्राम छनौरा जिला भदोही में एक लड़की से हुआ प्यार, मुंबई में हुआ प्रेमी साहिल का अंत। काफी चौंका देने वाली खबर है। साहिल नामक युवक, जिसकी उम्र बताई जा रही है 19 साल और लड़की और लड़के दोनों एक ही गांव के हैं, दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ग्राम छनौरा यूपी से हैं। 15 जून से गांव से गायब थे और 19 तारीख को कल्याण के दो स्टेशन आगे कोपर और दीवा के बीच रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में साहिल मिला। डोंबिवली लोहमार्ग पुलिस एक्सीडेंट केस बता रही थी। लड़के के परिजन ईदू हाशमी, कल्लू हाशमी, अलेहिम हाशमी, भुल्लन हाशमी उसे हत्या कर रेलवे पटरी पर फेंकने का आरोप लगा रहे थे। बहरहाल पुलिस एक महीने से इस केस को लेकर जांच कर रही थी। तो सारे जिस वक्त जांच करना शुरू की, लगभग एक महीना चला, तो सारे राज एक एक करके खुल गए। आखिर जो परिजन संकट में थे, कहीं ना कहीं उनकी संकट सही साबित हो गई। जब लड़की को लेकर ट्रेन से मुंबई आ रहा था, इस बीच लड़की के पिता शब्बीर हाशमी, वो मृतक साहिल के दोस्त के पास गए, उसे डरा धमका कर साहिल के पास फोन लगाने को कहा। साहिल ने पूरी जानकारी दी, मैं ट्रेन में हूँ और लड़की भी मेरे साथ है। जानकारी पाते ही शब्बीर मुंबई में रह रहे बेटे व रिश्तेदारों को सूचना दिया और सभी लोग एक साथ कल्याण स्टेशन पहुंचे। ट्रेन आई, पहले खिड़की से झांक कर देखा, नहीं दिखे तो सभी लोग ट्रेन में चढ़ गए और उसके बाद साहिल और लड़की दोनों एक साथ अंदर थे। लड़की को अपने कब्जे में ले लिया परिवार वाले, यानी लड़की के परिवार वाले अपने कब्जे में लड़की को ले लिया और साहिल को चलती ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया। ये सारी बातें पुलिस ने बताई और भदोही जिले के दुर्गागंज पुलिस को जानकारी दी। साहिल खुद से ट्रेन से कूदा है, एक तरफ से सच्चाई छुपाने की कोशिश की गई। आरपीएफ पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। शब्बीर हाशमी, गुलाम हाशमी, रसीद हाशमी, रियाज मंसूरी, कासिम हाशमी, रुस्तम हाशमी, तस्लीम हाशमी, रसीद हाशमी, फिरोज जुबेर, इब्राहिम हाशमी, इनके खिलाफ 143, 120B, 302, 201/34 के तहत मामला दर्ज किया है, जहां इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। 3 दिन पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस तह तक खंगाल रही है, इसमें और कितने लोग शामिल थे। सुनिए आरपीएफ लोहमार्ग पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सतीश पवार ने क्या कुछ जानकारी दी है। ये मामला ऐसा है, 19 जून को रात 11 बजे दीवा कोपर और दीवा के बीच में एक जख्मी पड़ा है, ऐसा लोकल वो जो ट्रेन वाले थे मोटर मन उनको दिखाई दिया। तो रात को पुलिस का पेट्रोलिंग रहता है लोकल ट्रेन में, लेडीज डिब्बे में, तो वो मोटर मन ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, तो उसको वो गाड़ी में लिया उन्होंने, पुलिस वाले ने उठा के ले लिया। वो बेहोश हालत में था, उसको सर को बहुत मार लगा था, उसका बाजू में जहाँ वो गिरा था वहाँ उसका मोबाइल भी मिला था। तो वो जख्मी को बेहोश हालत में गाड़ी में उठा के लिया और फिर उधर हॉस्पिटल में उसको जमा कर दिया। उसका नाम और पता कुछ भी मालूम नहीं था और वो 4 दिन सायन हॉस्पिटल में उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। बेहोश के हालात में ही आखिर उसकी मृत्यु हो गई 23 जून को रात 11 बजे मृत्यु हो गई उसकी। तो हमारे सामने पहला ये था कि वो आदमी कौन है, क्योंकि उसका नाम और पता मालूम नहीं था। तो इसके लिए हमने उसका जो मोबाइल था, मोबाइल के जरिए हमने उस पर जो नंबर थे उस पर कांटेक्ट किए, जो जख्मी हालत में हमें मिला था उसका तस्वीर रिश्ते मोबाइल वाले को कांटेक्ट नंबर थे उनको भेज दिया। भेजने के बाद उसका नाम पता चला कि उसका नाम है साहिल खलील हाशमी। ये छनौर जिला भदोही उत्तर प्रदेश का रहने वाला आदमी है, ऐसा हमें जानकारी मिली। वो जानकारी मिलने के बाद हमने उनके रिलेटिव को कांटेक्ट किया, माता पिता को कांटेक्ट करने के बाद हमें ये पता चला कि ये साहिल उसकी प्रेमिका को लेकर
15 जून से ही गांव छोड़ के चला गया। तो लड़की कौन थी, क्या थी, उसके बारे में हमने थोड़ा सा इंक्वायरी किया तो लड़की के पिताजी से कॉन्टैक्ट हो गए। तो लड़की के पिताजी को हमने जब भी कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने ये इसको सही बोला कि 15 जून को उनकी लड़की भी घर से निकल गई है और ये 15 तारीख को दोनों गायब है, गांव में से छनौर गांव में से दोनों भी गायब है। तो लड़की का माता पिता और जो रिश्तेदार थे वहाँ के छनौर गांव के, वो भी इनकी तलाश कर रहे थे लेकिन वो मिल नहीं रहा था। इन्होंने क्या किया, 2-3 दिन उधर ही रह गए वो। और 18 तारीख को रात को रत्नागिरी एक्सप्रेस जो बम्बई की ओर आती है वो गाड़ी में वो जंगई स्टेशन पे बैठ गए, वो दोनों लड़का और लड़की, और वो बम्बई आ रहे थे। ये जानकारी लड़की के पिता को मालूम हो गई। तो लड़की के पिता ने जो उनका लड़की का सगा भाई इधर बॉम्बे में रहता है घाटकोपर, और उनके रिश्तेदार भी इधर अंबरनाथ जोगेश्वरी घाटकोपर यहाँ जो रहते हैं, उनको ये बात बता दी और उनको बोला कि गाड़ी अटेंड करके अपनी लड़की को छुड़ा लो जो साहिल लेके जा रहा है। तो ये सब 10-11 जन मिलके 19 जून को कल्याण स्टेशन पर आ गए। कल्याण स्टेशन पर जब ये गाड़ी आ गई तो गाड़ी के अंदर उन्होंने झांक झांक कर देख लिया बाहर से ही प्लेटफॉर्म से, लेकिन ये लड़की और लड़का उनको नहीं दिखाई दिया। तो फिर वो 10-11 जन अलग अलग डिब्बे में दो तीन ऐसा करके अलग अलग डिब्बे में से चढ़ गए, क्योंकि गाड़ी कल्याण स्टेशन पे 3.5 मिनट ही रुकती है प्रवासी उतरने के लिए। तो गाड़ी जब आगे बम्बई की ओर चलने लगी तो गाड़ी में बैठ गए सब कुछ। फिर गाड़ी में तलाश जारी किया उन्होंने। फिर ये लड़की का चचेरा भाई कासिम हाशमी एक डिब्बे में चढ़ा था, जनरल डिब्बे में तलाश करने के लिए, तो उनको ये नजर आ गए, आमने सामने हो गए लड़की लड़का और लड़की का भाई। आमने सामने होने के बाद तभी वो जो दरवाजे के पास बैठे रहता है संडास बाथरूम और दरवाजा रहता है बेसिन रहता है उधर वो दोनों खड़े थे दरवाजे के पास। तो कासिम ने उसका कॉलर पकड़ा, फिर उन दोनों की झटापट हो गई और उसमें से उन्होंने धक्का देकर उसको गिरा दिया। अपने बहन को उठा के लेके वो गांव से लेके आ रहा है, वो गुस्सा उन लोगों को था इसीलिए उन्होंने ये ऐसा किया है। तो गुस्से में उन्होंने वो कांड किया है, वो मालूम हो गया। इस केस का पूरा 1 महीने की पूरा तफ्तीश सीसीटीवी फुटेज कॉल रिकॉर्डिंग टावर लोकेशन मोबाइल के ये सब करने के बाद हमने मर्डर का केस रजिस्टर कर दिया और सभी 10 लोग जो आरोपी है उसमें सभी को अरेस्ट कर दिया है। जो लोगों को अरेस्ट किया है उनके नाम है शब्बीर हाशमी लड़की का पिता, कासिम हाशमी लड़की का चचेरा भाई है, गुलाम अली शब्बीर हाशमी लड़की का सगा भाई है वो, और ऐसे रिश्तेदार है शाहिद हाशमी, रुस्तम हाशमी, तस्लीम हाशमी, अब्दुल रशीद हाशमी, फिरोज हाशमी, रियाज मंसूरी, मोहम्मद इलियास हाशमी, जुबेर मोहम्मद, फिरोज हारकी हाशमी, ऐसे टोटल 11 लोगों को हमने अरेस्ट किया। क्या कलम क्या लगाई गई, धाराएं क्या लगी है सर इन पे? इनको हत्या की धाराएं लग गई है 302 और एक कट करके उन्होंने सब लोगों ने मिलके इतने जन 10-11 लोग इकट्ठा आके उन्होंने ये कांड किया। वो जो इनका इरादा था हेतु था उसको खत्म ही करने का है, वो जो सेक्शन लगे वो लगे। गांव में जिस तरह से बताया गया कि वहाँ पे जो है मिसगाइड किए, पुरावे को नष्ट करने की बात चल रही थी, वहाँ पे स्टेटमेंट अलग दिया गया। इन लोगों ने बताया कि जो है जो जानकारी वहाँ की पुलिस ने दी थी कि मतलब ये लोग जो है वहाँ पे उन्हें धक्का भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया और वो जो है इनके सामने गिर गया, इस तरह की जो अफवाहें थी जो बताई गई थी, वो आपके मतलब जाँच में क्या निकला? हमारे जांच में वो सब फालतू की बातें निकली।
हमने पूरी जांच कर ली कौन कौन से डिब्बे में चढ़े, हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग है, लोकेशन है सभी का, और हम एविडेंस का कड़ी कड़ी मिला के सब पूरा इन्वेस्टिगेशन कर दिया है और फाइनल एक केस रजिस्टर करके उनको अरेस्ट। तो आपने सुना किस तरह से पुलिस ने एक महीना जांच की और उसके बाद सारे राज एक एक करके खुल गए। आखिर साहिल की मौत का कारण क्या था? पुलिस तहकीकात में पता चला साहिल को चलती ट्रेन से कहा सुनी के दौरान धक्का दे दिया गया, जिसके बाद उपचार के दौरान साहिल की मौत हो गई। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।